अगर आप मुझे फॉलो करते हो, कंटिन्यू देखते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि आज का बिरयानी पूरा एकदम मस्त वाला बना भाई। यहाँ सुबह सुबह अबू एकदम प्रॉन्स पकड़ के लेकर आए हैं। खाना भी खा दो, किसके ले रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से ब्लॉग में। और आज की इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने दाजू के दुकान से। शुरुआत आज घर पे ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी जल्दी आना पड़ा, दुकान खोलना पड़ा। अभी हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे दाजू? सब्जी देखने जाएंगे, वो जो लाया है, यहाँ पर पूरा सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, तो वहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या क्या सब्जी है। वैसे अब तो सुबह सुबह ले लिया, पर मैं जाके नहीं देखा, तो मैं और केशव दाजू जाएंगे। कैसे बोलते आप लोग? दुई जाना मानसी अभी जाने। ओहो ठीक है, ऐसे करेंगे तो सीख। चलिए सॉरी, थोड़ा सब्जी वगैरह देख के आते हैं, बस सर्वे करके आएंगे। और आज का वेदर देखो भाई, क्या ही खूबसूरत, क्या ही प्यारा सा वेदर हुआ है भाई। बस ऐसे रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब चलते हैं वहाँ पर सब्जी देखने के लिए। यहाँ सुबह सुबह अबू एकदम प्रॉन्स पकड़ के लेकर आए हैं। और कितना देर में? कम से कम आधा घंटा में ना। अब यहाँ देख सकते हो आप लोग, मिस कर लिया हम लोग ना, मुझे हम लोग जाना था। वही तो पहले ये पापा चले गए, देखा सर हम लोग को मिलता तो। देखो ये, देखो ये, ये निकल गया, हम भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सब लोग प्रॉन्स देखने के लिए आए। इसका स्पेशल डिनर किसने बनाया? डिनर नहीं, लंच। ओ सॉरी, और लंच नहीं, ब्रेकफास्ट। ले आप भी बोल के कुछ कुछ होता है। फिलहाल यहाँ पर अभी प्याज और मिर्चा काटा जा रहा है, किस लिए? नाश्ता करने के लिए। साथ में करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर चाय वगैरह भी बन चुका है, तो सबसे पहले एनर्जी लेते हैं, चाय पियेंगे, तभी उसके बाद जाके आराम से खा पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रस्किट आ चुका है, और हैंडसम रोटी भी गर्मा गर्म बन के रेडी हो चुका है, हमारा स्पेशल कुक ने बनाया। सबसे ज्यादा तो ये वाला। ये क्या चीज का बनाया? ओह प्रॉन्स, प्रॉन्स टमाटर। ओ अभी जो लेके आया था सुबह से उसी को डाल के बना दी ना। सही है, प्रॉन्स आलू बैगन और टमाटर भी डाला हुआ है शायद, क्या? नहीं अभी बनाया ना। हाँ। मिलकर चलिए, अच्छा देखता है कैसा होता है। सबसे पहले चाय पी लेते हैं। चीनी, चाय पत्ती, चाय छनकी, नमक, हल्दी। वाह, एक बार में इतना कुछ बोल दे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक साथ दोनों मिलके कितना प्यार से ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। बर्तन भी सुंदर दिखना चाहिए, खाना भी पेट में जाना चाहिए, खाना भी थोड़ा सुंदर सा खाना है ना। ऐसे खा ले रहे हैं, पूरा मस्त निकाल रहा भाई। प्रॉन्स तो एकदम फ्रेश फ्रेश सुबह सुबह का भाई। अब्बा के साथ जाने से तो हम लोग का भी एक तो वीडियो बनता ना। अब्बा को भाग दे, आप भी थोड़ा सा, पर सही समय आया, हम लोग को उसी समय ही पता चला। अब्बा तो हमको देख के गया है, स्पेशल आया है। आप आए थे तभी। उसके बाद गए। हाँ चलो भाई, कोई मेहमान आया तो थोड़ा सा अच्छा खिला के भेजे बोल के ना। आप भी तो घर पे बनाए थे ना रोटी? एक बार बनाई थी, लेकिन मेरा इतना सही नहीं बना है। चांद को हाथ को वो बना दी थे, ओमाबा की ओमेबा बोलता है एक, तो पता आपको? नहीं। जो पानी के अंदर एक एनिमल होता है, सिंगल सेल वाला, ऐसे कुछ पढ़ाई चढ़ाई से, उसका जैसा ही बना है ये, तो थोड़ा बहुत चांद का जैसा है। सकीना का तो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में कैसा टेस्ट होगा, वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम अपना चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद ही मेरा दिमाग का बत्ती जलता है। एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को हमने खोल दिया, यहाँ पर पर्दा लगाने की वजह से क्या हो रहा था, थोड़ा सा इस साइड में अंधेरा अंधेरा लग रहा था। और ये रहा हम लोगों का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में देखो क्या क्या है, अपना हैंडसम रोटी, और उसके बाद ऑलरेडी आपको सब्जी वगैरह दिखा दिया, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं, इसमें है आलू प्रॉन्स बैगन टमाटर मिक्स करके, और ये देखो भाई अचार, अचार देखो, इसमें अचार है, मिर्ची है, प्याज है, और उसके बाद नींबू नहीं है, नींबू लाना पड़ेगा। सिर्फ रोटी खाएंगे या चावल भी खाएंगे ना। लेट्स सी कि कितना खा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका तो आदत है मोस्टली रोटी का और चावल का, बट रोटी लेके बैठा है। और यहाँ पर लाडो बैठे हुए हैं, यहाँ पर सकीना के लिए, और यहाँ हमारा बुलबुल, इसे भी खिलाना पड़ेगा। पर ये आजकल पता नहीं खाते नहीं है, समझ नहीं आता इसका सीन क्या था। खाते नहीं है, इसको कितना भी खिलाओ खाते नहीं है। तो ये है कुछ हम लोगों का सेटअप, यहाँ पर होगा अभी मुकबांग।
अगर आप मुझे फॉलो करते हो कंटिन्यू देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं प्रॉन्स एक्चुअली में नहीं खाता, बट आज पता नहीं क्यों खाने का मन कर रहा और खा भी रहा हूँ। बट मुझे अभी भी ये जो प्रॉन्स होते हैं ना, प्रॉन्स का ये हेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं प्रॉन्स के जितने भी माथा है सब निकाल दे रहा हूँ, जस्ट बॉडी इतने खा रहा हूँ। और अभी तक मैंने खा दिया ऑलमोस्ट 3 रोटी खा दी। आपने कितने खाए अभी तक? दो। मैं 3 एक्चुअली। रोटी इज माय फेवरेट। हाँ क्या हुआ बोलो? हाँ किसका बर्थडे? मेरा। तो फिर हम हैप्पी बर्थडे बोलेगा ना? हैप्पी बर्थडे। अमिया बोली थैंक यू। बोल दो थैंक यू। अमिया बोली थैंक यू। अभी जल्दी से खा लो, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। गुड, तुम भी खाओ और हम लोग भी अभी जल्दी से खा ले, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला, तो खा के मिलते। काफी लोगों से हम लोगों ने सजेशन मांगा था कि आप लोग सजेस्ट कीजिए कि अभी नागालैंड जाना सही होगा कि नहीं होगा, तो काफी लोगों का कमेंट यही है। कहे जाए तो 90% लोगों का यही कहना है कि आप नागालैंड अभी मत जाओ क्योंकि वहां पर बारिश हो रहा है, लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है। तो हम एक्चुअली पहाड़ एरिया में तो जाने वाले हैं, डिमापुर ही जाएंगे। मैं सोचा था कि एक्चुअली मैं जाऊँ भी ना क्योंकि सभी लोगों का यही राय है कि ना जाओ, बट फिर भी अभी हम लोग हैं 90% और 10% में। 90% जाना है, 10% नहीं जाना है। और जाने का कारण यही है कि एक शख्स को इस बार मौका मिल रहा है जाने के लिए, तो बार बार जीत कर रहा है कि चलो चलो चलो, बट हम लोगों का कुछ प्लानिंग करके रखा था, कुछ मतलब सब कुछ सुविधा देख के जाना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से वो भी कैंसिल ही हो रहा है, मतलब नहीं के बराबर ही हो रहा है। तो लेट से क्या होगा, अभी घर पर सभी लोग आएंगे तो उसके बाद हम लोग एक बार सही से डिस्कस कर लेंगे, मशवरा कर लेंगे कि एक्चुअली में करना क्या है, अभी जाना है या कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी सभी लोग गए हुए हैं अरुणाचल के, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल है सभी लोग गए, यूट्यूब वहीं पर ब्लॉग वगैरह बना रहे, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी का सेम नहीं, सबका अलग अलग तरीका है। जैसे हम यहाँ पर रहते हैं तो सब अपना दिखाते हैं, वहाँ पर भी अलग ही अलग होता, बट फिर भी सब नागालैंड डीमापुर यही सब दिखा रहे हैं, तो उसके हिसाब से नहीं जाने से भी अभी सही रहेगा। आगे जाके भी फिर कब तक वेट भी करते रहेंगे ये भी सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। अभी लेट्स सी क्या होगा, रात को हम लोग सबको एक साथ बैठ के मशवरा करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है, उसके बाद पता चलेगा। और उसके लिए मैंने अभी तक सारा काम वगैरह कंप्लीट कर लिया, कुछ भी काम वगैरह नहीं बचा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं दिन में कुछ भी ब्लॉग वगैरह बना के नहीं दिखा। अभी जाता हूँ मैं, सेविंग वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश होकर, बहुत अजीब सा गाना है क्योंकि काफ़ी गर्म में काम करना पड़ा ना। नहाते नहाते देखो कब अंधेरा होगा कुछ पता नहीं चला, यहाँ का समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता कब क्या हो जाए, पलक झपकते ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी देखो भाई पूरा करंट वगैरह भी चला गया जिसके वजह से और ज़्यादा अंधेरा हो गया, और मैं नहा धो के एकदम मस्त रेडी हो चुका हूँ। थोड़ा सा सामने से देख लो, अभी फिलहाल मुझे जाना है चिकन लाने के लिए क्योंकि आज है आयान का बर्थडे। अभी आ चुका हूँ चिकन वाले शॉप पर और यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ 1.5 kg चिकन, अभी घर पर पूरा दबा के खाएंगे। और यहाँ पर ये देखो भाई, इसको देख कर ना एकदम अजीब सा डर जैसा लग रहा है। अभी मैं 1-2 टांगरी भी लेके जाऊंगा, साथ ही साथ स्टोमाक भी लेके जाएंगे क्योंकि आज फिशिंग करने का प्लानिंग करके रखा है, तो एक स्टोमाक ले जाएंगे और 1.5 kg चिकन, बस यही। हाँ चिकन वाला काट रहा है चिक, अब वही चिकन बॉयलर है कि ये सब तो बॉयलर ही से जानते हैं ना। जब करंट जाते ना तो कुछ ऐसा दिखता है, दूर दूर तक आपको कुछ दुकान वगैरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, जो जो जल रहा है बल्ब, इमरजेंसी बल्ब लगा है उसको वही सब देखने को मिलेगा, बाकी कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इधर मार्केट है भी या नहीं। इधर भी देखो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा में तो वीडियो बना रहा है। ले लिया मीट मिल गया, मार्केट बंद, दुकानें बंद हो गई, इतना जल्दी जल्दी। अभी चिकन वगैरह लेके आ चुका हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टोमाक भी है, ये हम जाएंगे रात को फिशिंग के लिए तो वो लगाएंगे। और यहाँ पर देखो आयान का बर्थडे में देखो एकदम सिंपल से किया जा रहा है, और यहाँ पर क्या क्या है, टोपी आयान का टॉपी, यहाँ पर देखो क्या क्या मिक्स करके एकदम खा रहे हैं लोग, कुरकुरे है और उसके बाद ये मैगी है और चिप्स है लेस, और उसके बाद यहाँ पर स्प्राइट, तो ये सब कुछ एकदम मस्त खा रहे हैं। और स्पेशल बनेगा ये, अब मेरे लिए रखना है सकीना एक तो टांगरी। आज का स्प्राइट आयन के नाम है कि नहीं आयन? यस बोलो। हाँ यस बोलो, जोर से बोलो। यस यस यस। और क्या है खाने के लिए, क्या और कुछ कुछ है बोलो। हाँ स्प्राइट बिस्प्लाइट। ओ या मच्छर
आज को मैं सोच रहा था सिर्फ चिकन बनेगा उसके साथ हैंडसम रोटी बनेगा, बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा भाई। हैंडसम गर्ल बन रहा है, वाओ बिरयानी का नया नाम, अब से हैंडसम गर्ल बन रहा है। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा चावल है सकी ना, ये गांव का चावल एकदम लोकल गांव का चावल, और ये कुछ अलग सा ही दिख रहा है, एकदम छोटा छोटा सा अलग सा ही दिख रहा है। ये देखो आप लोग, ये यूपी का चावल है एकदम, अभी कौन सा चावल इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट जो भी हो आज इसका बन रहा है अपने घर पे चिकन बिरयानी। तो उसके बाद ओह जल्दी कर दिया इसलिए रोक रहे हैं। ये देख के तो एकदम खाने का मन कर रहा है, और आज इतना सारा रील्स देखा, इतना सारा वीडियोस देखा, सिर्फ खाने पीने वाला, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आज चिकन आएगा, हमें पता नहीं था बट चिकन भी आ गया। तो भाई आप तो बल्ले बल्ले, तो आज तो पूरा दबा के खाएंगे भाई बिरयानी। बस इन अ फ्यू मिनट्स अभी इसको एकदम खोलेंगे, और ये देखो क्या स्टाइल से इसको पैकिंग करके रखा है ताकि एक भी गैस इसका बाहर ना जाए। तो ये है आटा, कुछ और चीज़ नहीं है, ये आटा है, और जैसे ये खुलेगा इसके अंदर से निकलेगा सऊदी का मसाला यूज़ किया हुआ चिकन बिरयानी। वाओ आज सऊदी का मसाला यूज़ किया वाला चिकन बिरयानी, अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे। खुशबू तो मस्त आ रहा है, और यहाँ पर अभी प्याज वगैरह सब काटा जा रहा है क्योंकि इसके साथ प्याज वगैरह कुछ रहे तो मज़ा है। और एक चीज़ इसमें हमेशा हम लोग मिस कर देते हैं, और ये सब अचानक से प्लानिंग बनता है ना, तो इसके वजह से वो चीज़ हम लोग ला ही नहीं पाते, वो क्या चीज़ है सकीना बताओ, दही कार्ड, कार्ड मिस कर देते हैं हम लोग। और कितना समय रखना पड़ेगा सकीना, हम खोल देंगे क्या है, अरे खोलो ना, कितना मजा आता है दीवाना। तो ये रहा सऊदी का मसाला का यूज किया वाला बिरयानी, वाओ कितना मस्त दिख रहा है, अरे हाय कतई जहर वाली खुशबू आ रही है। सबसे पहले हमका निकाल के दो, हम कतई वेट नहीं कर सकते भाई, ये देखो भाई सही में लग, बस एक चीज मिस कर रहा ना सिग्नल, नींबू ऐड किया ना टेस्टी लग रहा, वो नहीं बोल रहा नींबू ऐड किया उसका नहीं, उसका मतलब रायता का एक अलग से स्वाद है, वो तो मानना पड़ेगा। वाह ये तो कम ही पड़ेगा, तो चिकते चिकते खत्म हो जाएगा, बट फिर भी चलेगा। यहाँ पर अभी सारे लोगों के लिए यहाँ पर बिरयानी निकल चुका है, और अब्बा के लिए यहाँ पर रोटी और अलग से चिकन, अब्बा नहीं खाते बिरयानी इतना पसंद नहीं उनको, इसके लिए उनके लिए अलग बना दिया, बाकी सबके लिए बिरयानी। तो वहाँ लाडो बैठ चुके हैं, यहाँ पर अब्बा बैठे हुए हैं, अयान जल्दी आओ, जल्दी बैठो यहाँ पर नाना के साथ बैठो, आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ। तो यहाँ पर अभी धीरे धीरे सभी लोग बैठ जाएंगे, एक साथ खाएंगे, और टीवी का भी कनेक्शन हम लोगों ने कर दिया, तो टीवी देख देख के आराम से बैठ के खाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर नींबू और प्याज, बस एक ही चीज़ मिस कर रहे हैं वो है सब, अब बैठेगा तभी तो पता चलेगा। अम्मी को भी बुलाओ, अम्मी कहाँ गया, और इन सब में से सबसे ज़्यादा मेरे में ही दिख रहा है, देखो भाई मुझे पसंद है ज़्यादा ना, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मैंने लिया, और ये टेस्ट करते करते ही ख़त्म हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, खाऊंगा बोलो, खाऊंगा क्या खाऊंगा है, क्या नाम बोलो, कैसा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। आज का बिरयानी पूरा एकदम मस्त वाला बना भाई, पहले भी अच्छा वाला बनता है बट हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल ही हो जाता है, आज का राइस इतना ज़्यादा एक साथ चिपक नहीं रहा है, तो मज़ा है भाई ऐसे होने से ना, मस्त लगता है। तो आप लोगों के साथ में एक बाइट तो बनता है भाई, ये है हम लोगों का आज का स्पेशल सऊदी चिकन बिरयानी, सऊदी मसाला चिकन बिरयानी। वेरी टेस्टी ना, कैसा लग रहा है लाडो, लाडो तो पूरा एकदम टांगरी लेकर बैठ गया खाने के लिए, बहुत मस्त लग रहा है भाई, और एक बार आप लोगों के साथ, वाह वाह लाडू ठीक है।
अब जाके हम सभी लोग एक साथ बैठे हुए खाने के लिए। यहाँ अम्मी भी आ चुकी है, यहाँ पर सिस्टर भी आ चुके हैं, और ये हमारा हैप्पी बर्थडे बॉय। इधर सकीना बैठे हुए, इधर ये बैठे हुए, और उसके बाद सबको मस्त बैठ के खा रहा है अभी। साथ में साथ टीवी भी चल रहा है, और यहाँ पर चिकन पर चिकन आते रहता है अब्बा की तरफ से। ये वाला नहीं खाएगा, हाँ ये खा लो कोई खाने से। रोटी भी ऐसे बचा हुआ है, और ये गोश्त देखो भाई, क्या मस्त मस्त वाला गोश्त है। कैसे सुन में एकदम ऑनेस्टली वाला फीडबैक दे रहा हूँ आप लोगों को। काफी मस्त वाला बिरयानी बना था भाई, और इतना ज्यादा टेस्टी बना था ना, जितना लिया था सारा खा दिया। इनफैक्ट एक्स्ट्रा भी और भी लिया था, वो आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि खाने में इतना ज्यादा वेस्ट था कि आप वीडियो क्या ही बनाए। पेट में पूरा टाइट हो रहा है, फिर भी खा रहे भाई, खा रहे खा रहे खा रहे खा रहे। अभी इतना ज़्यादा खा लिया, अभी आए हम वॉकिंग करने के लिए मार्केट में, और अभी आपका समय हो रहा होगा, अरे 10:30 हो चुका होगा, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका होगा। अभी मैं बस अकेला ही नहीं आऊँ, धीरे धीरे अभी जितने भी घर वाले सब आएंगे, उसके बाद थोड़ा वॉकिंग करेंगे, देन उसके बाद घर पर जाएंगे। थोड़ा सा हजम होना पड़ेगा ना। तो आज के इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।